हमारे चैनल में स्वागत है आप लोगों का। तो आप लोग कमेंट करें, सब कुछ क्लियर है क्या? जितने भी स्टूडेंट्स आ गए हैं कमेंट करें, सब कुछ क्लियर है तो क्लास शुरू की जाए। जितने भी स्टूडेंट्स आ गए हैं सब कुछ क्लियर है तो क्लास शुरू की जाए और सब लोग अपने प्रेजेंट दे दें, जो जो स्टूडेंट्स लाभ आ गया है। मोनू सिंह, हाय सर, हाय मोनू। सत्यमान सोलंकी, यानी हाय सर, हाय। अपना अपना नाम लिख दें, जो जो बंदा जिस आईडी में जुड़ा हुआ अपना नाम लिख दें। रविंदर सिंह, यस सर, जी सर। विनय कुमार, हेलो सर, हेलो विनय। जितेंद्र ठाकुर भैया, नमस्ते, नमस्ते जितेंद्र, नमस्ते जितेंद्र। रोहित वर्मा, हाय सर, हाय रोहित वर्मा। विनय कुमार, यस सर, ओके विनय। सुमित्रा कुमारी, हेलो सर, हेलो सुमित्रा। और बंदे कमेंट करें। राजेंद्र सिंह, राम राम सर जी, राम राम भाई। और स्टूडेंट्स कमेंट करें, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ग्यारह स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं। तरुण शर्मा, हाय सर, हाय तरुण। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें आप लोग पहले। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। श्रेया सोलंकी, हाय सर, हाय श्रेया। बिट्टू पहलवार, मैं आ गया, ओके बिट्टू पहलवार, ओके। ओके, ठीक है। तो हम नाउन की स्टार्टिंग कर देते हैं हम लोग आज। बेसिक अब नाउन, नाउन को कैसे पहचानते हैं उस पर बात होगी आज। आप लोग जो मैं चीज़ें बताते चलूँ आप लोगों को लिखते चलना है। पीयूष अग्रवाल, गुरु जी को एक बार फिर से राधे राधे, राधे राधे पीयूष, राधे राधे। ठीक, नहीं अंजू, 10th क्लास हम नहीं लेंगे। 10th क्लास 6:15 पर हो गई आज, लेकिन आप इस क्लास को ले सकते हो। इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर रहे हैं, नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अभिनव चार, सर आपकी ऑल वीडियोस लाइक करते हैं, ओके। सोना, बिल्कुल सोना, आई नो यू लाइक ऑल माई वीडियोज, बिल्कुल। फौजी, नमस्ते सर, नमस्ते भाई रवि। अंशु परवा सर जी, नमस्ते, नमस्ते। आरसीएम ड्रीमर नेटवर्क, हेलो हेलो। मनी चौहान, ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स नाउन के बारे में जानता है थोड़ा सा, वो टिके रहना है आप लोगों को। जो नहीं जानता है उसको भी टिके रहना है। कुछ आपको लगेगा हाँ इस चीज हमें पता है, लेकिन कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी। मोनू सिंह, मोनू सिंह, ओके सर। सर एक बार हिंदी ग्रामर में रस और अलंकार करा देना, ओके। हिंदी ग्रामर में रस और अलंकार करा दिए जाएंगे, बिल्कुल, ओके शुभम। हिंदी ग्रामर में रस और अलंकार करा दिए जाएंगे, और जितने भी 10th 11th 12th और कंपटीशन के बंदे जुड़े हुए हैं उनके लिए हिंदी करा दी जाएगी। 10th क्लास की भी हिंदी ग्रामर करा दी जाएगी और 12th क्लास की भी हिंदी ग्रामर करा दी जाएगी। बस वेट करें आप लोग, कुछ दिन वेट करें, ओके, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग बेसिक ऑफ नाउन की बात करेंगे, बेसिक ऑफ नाउन, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। श्री गणेश, श्री गणेश। प्राची शर्मा, नमस्ते भैया, नमस्ते प्राची, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स को पता है, और बता दूं 11th 12th क्लास में 10th क्लास में 5 नंबर के पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी डायरेक्ट फ्रीली भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बन सकते हैं, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो आज लोग हम नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग आज लोग नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो
मैंने इससे पिछली क्लास में जो स्टूडेंट नए जुड़े थे इससे पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो उनको आप लोग आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर तरीका बताऊंगा आपको छांटने का, और बहुत बेस्ट तरीका होगा। तो देखें आप लोग, पहले नाउन की बात की थी हम लोगों ने, प्रॉपर नाउन, इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक क्लास है, प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा कॉमन नाउन, दूसरा रहेगा वो हमारा कॉमन नाउन, तीसरा रहेगा हमारा कलेक्टिव नाउन, तीसरा क्या रहेगा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ रहेगा हमारा मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, और जो फिफ्थ रहेगा हमारा वो रहेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आरसीएम ड्रीमर साफ नहीं दिख रहा है, विनय कुमार साफ नहीं, आदित्य कुमार, बनवारी लाल, अमरीश सर साफ नहीं है सर जिसको साफ नहीं दिख रहा है वो एक बार क्वालिटी बढ़ा लें, अपनी जिसको साफ नहीं दिख रहा है वो एक बार अपनी क्वालिटी बढ़ा लें, और सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें क्या सभी को साफ नहीं दिख रहा है क्या, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें सभी को साफ नहीं दिख रहा है क्या, मतलब अमरीश नो, अंशु बोल रही है सर साफ दिख रहा है, अमरीश किस पे कमेंट किया, साफ दिख रहा है या साफ नहीं दिख रहा है, किस पे कमेंट किया आपने ओके शुभम बोल रहे हैं क्लियर दिख रहा है, पीयूष अग्रवाल साफ दिख रहा है, रविंद्र सिंह सर बोल रहे हैं सर थोड़ा बड़ा लिखें, बिल्कुल बिल्कुल अभी बड़ा लिख देंगे समझ आ देंगे, और अभिनव चार कह रहे हैं सर साफ दिख रहा है, ओके ओके ठीक है, जिस बंदे को साफ नहीं दिख रहा है वो क्वालिटी बढ़ा ले, जैसे कि विनय बोल रहे थे अभी विनय बोल रहे थे, और ठीक है, और जो मथुरा से जुड़े हैं हमारे साथ वो बंदे भी बोल रहे थे, ठीक है समझे आप लोग तो कल मैंने बात की थी, कल मैंने टैप्स के बारे में बात की थी कि नाउन के टैप्स कितने होते हैं, तो बेसिकली मैंने नाउन के टैप्स बताए थे कि नाउन के टू टैप्स होते हैं, काउंटिंग के आधार पर नाउन दो प्रकार का होता है, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, एक क्या होता है हमारा काउंटेबल नाउन और एक होता है हमारा ओके ओके एक होता है काउंटेबल नाउन एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, बेसिकली आपको लोग सब कुछ पता है, तो कोई भी पूछे कि काउंटिंग के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताओगे काउंटिंग के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटेबल एक होता है अनकाउंटेबल, ठीक है, एक होता है काउंटेबल एक होता है आपका अनकाउंटेबल। उसके बाद बात की जाए तो उसके बाद वैसे बात की जाए तो नाउन हमारे पांच टाइप्स के होते हैं, वैसे बात की जाए तो नाउन हमारे पांच टाइप्स के होते हैं, ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। उसके बाद देखें, देखो काउंटिंग नाउन में तीन नाउन आते हैं, कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन तीनों को हम गिन सकते हैं, इन तीनों नाउन को हम गिन सकते हैं, इसलिए इनको काउंटेबल नाउन में रखा जाता है, किस किस नाउन को, प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को, इनको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव तीनों को गिन सकते हैं, लेकिन जो मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दोनों को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इनको अनकाउंटेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल बोलते हैं। अब मैं इनको पहचानने का तरीका बता रहा हूं, जैसे आपसे स्टूडेंट्स पूछ ले जाते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बोल ही दूं, इसमें काफी स्टूडेंट्स गलत आंसर कमेंट करें, साइंस कौन सा नाउन है मुकेश मुकेश
कमेंट्स करें। साइंस कौन सा नाउन है? सुविद्रा ने बोला है प्रॉपर नाउन, प्रशांत पचौरी ने बोला है एवस्टक नाउन, प्रशांत पचौरी ने बोला है एवस्टक नाउन। ओके, अभिनव चार यानी सोना ने बोला है प्रॉपर नाउन, जितेंद्र ठाकुर ने बोला है प्रॉपर नाउन। थोड़ा सही कर दे, उसका अभी वीडियो बंद हो गई थी तो सही करना, किसी वाइट बोर्ड दिखाई दे। जितेंद्र ने प्रॉपर नाउन बोला है, शुभम ने प्रॉपर नाउन बोला है, अमरीश वगैरह ने प्रॉपर नाउन, प्रशांत पचौरी, रावराम भैया हो गया। वो तो रोहित वर्मा ने बोला है प्रॉपर नाउन। कमेंट सारे स्टूडेंट्स, 15 लोग लाए में कमेंट करें, देखता हूँ आप लोगों की कितनी ग्रामर स्ट्रांग है। नाइन को नाउन को आप बहुत हल्के में ले रहे थे। और स्टूडेंट्स कमेंट करें कि साइंस कौन सा नाउन है। सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया अभी मेरे पास। और बता दूं, जितने मेरे पास अभी तक आंसर्स आए ना, जितने भी मेरे पास अभी तक आंसर्स आए, उस आंसर्स में से केवल एक का आंसर सही आया है। उसमें से अभी तक केवल एक बंदे का आंसर सही आया है, बाकी सभी बंदे के आंसर गलत आए हैं। बाकी के सभी बंदों का आंसर गलत आया है। मैंने पूछा था कि साइंस कौन सा नाउन है, साइंस किस नाउन में आएगा, प्रॉपर में आएगा या कॉमन में आएगा या कलेक्टिव में आएगा या मेटेरियल में आएगा। अंशु पहलवा सर आप ही बताओ, अंशु आपको भी तो देखना है। जाट यानी देव होगा, इस पे प्राची शर्मा प्रॉपर नाउन है, प्राची शर्मा प्रॉपर नाउन है, हरेंद्र सिंह कह रहे हैं कॉमन नाउन है, देव भी बोल रहा है कॉमन नाउन है, राहुल सिकरवार की एंट्री और सीधा ही छेरन एवस्टक नाउन, राहुल सिकरवार की एंट्री और सीधे ही बाउंड्री लाइन से बाहर बाहर बोर गई और सीधा सिक्स, आते ही उन्होंने बोला एवस्टक नाउन। अभी तक दो बंदों का आंसर सही है, दो आंसर है, एक तो राहुल सिकरवार, एक राहुल सिकरवार और एक प्रशांत पचौरी, दोनों ने सही बताया था कि साइंस हमारा एवस्टक नाउन होता है, साउंस हमारा एव स्ट्रक्ट नाउन होता है। कौन सा? एव स्ट्रक्ट नाउन होता है। बाकी का श्रेया सोलंकी ने भी नहीं बताया सही। बाकी का मेरे को पता था कि आप जो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश को आप हल्के में लेते हैं, बोलते हैं कि इंग्लिश तो हमारी बहुत ही हाई है, तो आप लोग इसी कारण, इसी वजह से आप लोगों के लिए एक दिन आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस वजह से आप लोग एक दिन कहीं ना कहीं आप जरूर फेल हो जाएंगे इंग्लिश के वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से। ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें इंग्लिश के अंदर। मैं देखता हूँ जैसे नाउन लिखाता है तो काफी बंदे 21-22 आने लाइव आने के बाद थोड़ा सा वो गायब होने लगे थे। बेसिक चीज है, बेसिक चीज नहीं है, बेसिक चीज नहीं है, ठीक है? तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, केवल केवल जो हमारे हमारे प्रशांत प्रशांत पचौरी जो कि हमसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, और राहुल सिकरवार वो भी हम लोगों से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं और प्रेजेंट में पढ़ भी रहे हैं हमसे, तो उन्होंने केवल सही बताया है कि साइंस हमारा कौन सा नाउन एव स्ट्रक्ट नाउन होगा, कौन सा नाउन होगा, एव स्ट्रक्ट नाउन होगा, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट को डाउट होगा। अब बहुत से स्टूडेंट को, सर मेरे तो लो है इंग्लिश, कोई बात नहीं है। आदित्य कुमार हेलो सर, हेलो आदित्य, राजेंद्र सिंह मैं भी पढ़ी हूँ, ओके 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 ओके, ठीक है? तो ध्यान दें आप लोग, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे एक कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि साइंस आपका एव स्ट्रक्ट नाउन होता है। कई स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि सर क्यों होता है कि हम लोगों में वेट नहीं किया जा रहा है, सर क्यों होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि
साइंस यानी जितनी भी ऑल सब्जेक्ट, हालांकि मैं बाद में बताना चाह रहा था, जितनी भी ऑल सब्जेक्ट होती हैं, आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत एक्सेप्शन होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर बहुत अपवाद होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश भी उसकी क्या है, बहन है। एक्स केमिस्ट्री की इंग्लिश क्या होती है, बहन होती है। तो इंग्लिश के अंदर भी एक्सेप्शन दबा के भरे हुए हैं। आप बोलोगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो वो नाउन आते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको केवल हम फील करते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, तो उसमें आते हैं। मैं भी तो कह रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाचक संज्ञा होती है, और वो संज्ञा होती है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जिसको सिर्फ हम फील ही कर सकते हैं, जिसको सिर्फ हम फील ही कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जितने भी ऑल सब्जेक्ट होती हैं, आज के बाद आपसे कोई पूछे कि ऑल सब्जेक्ट किस में आएंगी, एक अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। ऑल सब्जेक्ट हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। कौन से नाउन में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। आज से रट्टा मान लेना, कंपटीशन एग्जाम में, 12th के एग्जाम पूछ ले जाए कि साइंस या साइंस, मैथ, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी कौन सा नाउन है, तो आज के बाद आपका जवाब होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज के बाद जवाब होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई पूछे रीजन, देर इज नो रीजन, दिस इज अ एक्सेप्शन, दिस इज अ एक्सेप्शन। जिस प्रकार केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, उस प्रकार भी इंग्लिश के अंदर अपवाद होते हैं। ठीक है, ओके ओके। और टैलेंट क्या है सर, और टैलेंट क्या है सर, टैलेंट माने होते हैं प्रतिभा। प्रतिभा क्या हो जाएगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, हमारे पास ब्लूटूथ माइक है, बिल्कुल। ठीक है, तो आप जितने स्टूडेंट समझ गए हैं कि सारे सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट समझ गए हैं कि सर आज के बाद हम लोग सब्जेक्ट्स में गलती नहीं करेंगे, आज के बाद हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बताया करेंगे, तो कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट समझ गए हैं कि जितने भी सब्जेक्ट होती हैं वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती हैं, तो कमेंट करें। अमरेश है, शुभम है, हमारे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, हमने कई बार बताया होगा लेकिन वो भूल गए हैं। अमरेश है हमारा, शुभम है, ये कई बार ऑफलाइन भी पढ़े हुए हैं, फिर उन्होंने आंसर गलत दिया था, तो आप आज के बाद गलती ना करें। सुभद्रा समझ गए, ओके ओके। फैक्ट वाला यस सर, ओके। देव बोल रहे हैं गलती नहीं करेंगे। डेफिनेटली ओके। विनय कुमार ओके सर। राजेंद्र सिंह, अंशु बेलवा क्लियर है सर जी। शैलजा सोलंकी जी सर। अमरीश बघेल ओके सर, ओके सर, सॉरी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं अमरीश। मिस्टेक्स आर, मिस्टेक्स आर, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। सुरेंद्र कुशवाहा गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग भाई सुरेंद्र। अमरीश बघेल समझ गए सर। श्रेया सोलंकी यस सर, आ गया समझ में। रोहित वर्मा समझ गए, रोहित वर्मा समझ गए। जितने ठाकुर ओके भैया। प्राची शर्मा ओके, प्राची शर्मा ओके, प्राची शर्मा ओके। तरुण शर्मा जी सर, आ गया समझ में। तरुण शर्मा आ गया जी समझ में, ओके। ठीक है, अब आप समझें, अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ओके सुमित्रा, मैं आगे बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, और मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव को कैसे पहचानेंगे। और एक और चीज़, अगर एक आध मिनट के लिए वीडियो रुक जाए ना, तो आपको तुरंत लौट के आ जाना है, क्योंकि थोड़ा डाटा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एक आध मिनट के लिए वीडियो रुक जाए, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा से लाइव आ जाना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, अगर एक आध मिनट के लिए वीडियो बीच में रुक जाए तो। देखें, बस आपको समझना है, आपको नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है, और जो चाहे तो वो लिख भी सकता है, समझना है। देखो, हम बात करेंगे पहले प्रॉपर नाउन की। हमने कल बताया था कि एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग्स नाउन, सब कुछ क्या है, नाउन है। दुनिया में जो भी प्रेजेंट है वो सब नाउन है। नाउन बोले तो संज्ञा, दुनिया में जो भी चीज प्रेजेंट है वो सब नाउन है। लेकिन लेकिन
जैसे कि परिवार होता है ना, परिवार होता है ना, तो परिवार तो परिवार ही होता है, लेकिन उसके घर के सदस्य होते हैं ना, कोई पापा होते हैं, कोई मम्मी होते हैं, कोई फादर होते हैं, आई मीन ग्रैंड फादर होते हैं, कोई दादा होते हैं, कोई दादी जी होते हैं, चाचा चाची, ठीक है, सभी को मिला के परिवार बनता है। उसी प्रकार प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलकर सभी नाउन, ये सभी अपने आप में नाउन है। अर्थात पूरी दुनिया में जो चीज आप देखते हैं ना, आप ना जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं ना, वो क्या है, वो जिस मोबाइल से देख रहे हैं वो नाउन है। जिस चेयर पे या जिस पलंग पे या जिस खाट पे आप इस तरीके से पड़े हुए मेरे को देख रहे हैं वो भी नाउन है। जिस पेन या पेंसिल को आप देख रहे आप लिख रहे हैं वो भी आपका नाउन है। सब कुछ नाउन है। जिस कमरे में आप चार दीवारियों के अंदर बैठे हुए ना, वो भी नाउन है। सब कुछ नाउन है। लेकिन नाउन को क्लासिफिकेशन क्या है, नाउन को क्या है आपका, नाउन का क्लासिफिकेशन समझ लें। प्रॉपर नाउन क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन की हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, बीच में कोई कमेंट नहीं, बस समझेंगे। प्रॉपर नाउन की हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात मेरा कहना है कि दुनिया के अंदर जिसका हम नाम रख देते हैं, जिस व्यक्ति वस्तु स्थान का हम नाम रख दें, जिस व्यक्ति वस्तु स्थान का हम नाम रख दें ना, तो प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है प्रॉपर नाउन, मान लो किसी मान लो कि किसी का ही दुनिया में नाम नहीं होता, तो किस नाम से पुकारते, तो किस नाम से पुकारते ना। घर में जितने भी पांच बंदे होते हैं तो उन्होंने नंबर प्लेट लगा दी जाती है कि जी आकाश है, जी अतुल है, जी राम है, जी रोहित है, वो नंबर प्लेट लगा देते हैं कि नो भाई जी आकाश, जी रोहित, राम, क्यों है, पहचानने के लिए, नाम रखने के लिए। क्या करें, नाम, अगर नाम नहीं रखेंगे ना हम लोग तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे, कौन किसको बुला रहा है समझ में ही नहीं आएगा। तो अर्थात दुनिया में जिसका नाम रख दिया जाए, किसी बंदे को नाम से कॉल किया जाए, किसी बंदे को जिस नाम से पुकारा जाता है, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला कि दुनिया में सब कुछ क्या है, नाउन है। आप अपनी फैमिली से ही ले ले, आपकी फैमिली में मान लो कि आपका परिवार होगा, उनमें से आपने अपने मन में सोच लिया पिताजी का नाम, अपने मन में सोच लिया पिताजी का नाम, तो वो नाम पिताजी का आपने सोचा है वो प्रॉपर नाउन है। पिताजी को किसी नाम से बुलाते होंगे वो प्रॉपर नाउन है। पिताजी आपको किसी नाम से बुलाते होंगे तो आप प्रॉपर नाउन है पिताजी के लिए, ठीक है। मैं आपको किसी नाम से, जैसे मैंने वहां पे यहाँ जुड़े हुए हैं, मैंने आदित्य जुड़ा हुआ है, आकाश जुड़ा हुआ है, यहाँ सोना जुड़ी हुई है, राजेंद्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, श्रेया जुड़ी हुई है यहाँ पे, शैलजा, तरुण, ये सभी क्या है हमारे प्रॉपर नाउन है। प्राची, सभी क्या है हमारे प्रॉपर नाउन है। आकाश, शुभम, सभी क्या हमारे प्रॉपर नाउन है। देव, ये सभी क्या प्रॉपर नाउन है। मैं आपको जिस नाम से बुला रहा हूं, आपके नंबर प्लेट क्या है कि ये देव है, ये तरुण है, ठीक है, ये आकाश है, ये सोम है, ये अमरीश है, तो आपको मैं बुला रहा हूं ना प्रॉपर नाउन से। आप हद तो मेरे लिए नाउन है, लेकिन मैंने आपको नाम रख दिया तो आप प्रॉपर नाउन हो गए। क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। उसके बाद देखें, इस इंडिया में बहुत जगह है, इस इंडिया में बहुत जगह है, पर मैंने बोल दिया कि आगरा, तो प्रॉपर नाउन। स्पेशल नाम दे दिए ना, जिसको हम स्पेशल नाम दे देते हैं, स्पेशल उसको नाम हम रख देते हैं कि इसको फलाने के नाम से पुकारेंगे कि भाई फलाना है, तो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन होगा। कई सारी बुक्स होती हैं, कई बुक्स होती हैं, जैसे कि बोल लो कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो कौन सी किताब पढ़ रहा हूं, कौन सी किताब पढ़ रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आपने बोल दिया मैं महाभारत पढ़ रहा हूं, तो प्रॉपर नाउन। मैं बोल दिया कि मैं रामायण पढ़ रहा हूं, तो प्रॉपर नाउन। रामायण भी तो बुक है, महाभारत भी तो बुक है, बाइबल भी तो बुक है, कुरान भी तो बुक है। जिस व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम रख देंगे, जिसको हम नाम से पुकारेंगे, पहली बात, सब वर्ल्ड में सब कुछ क्या है, पूरे वर्ल्ड में सब कुछ नाउन है, पर उन नाउनों से बोला कि ये फलाना है या फलानी है, ये शाहरुख खान है, ये आलिया भट्ट है, ये विराट कोहली है, ये अनुष्का शर्मा है, ये क्या है अनुष्का शर्मा है, तो वो सब क्या है प्रॉपर नाउन। जिसका हम नाम रख देंगे वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो बताएं, जिसको प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया वो कमेंट करें, जिसको प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया वो कमेंट करें कि जी सर प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया कि जी सर प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया, कमेंट करें। देव को क्लियर है सर, ओके। सलजा सोलंकी, जी सर क्लियर हो गया। सलजा को क्लियर हो गया, ओके। सुभद्रा क्लियर है सर, ओके। सुभद्रा को क्लियर हो गया, ओके। आंसू पहलवान क्लियर है सर जी, ओके। अंशु राहुल शुक्रवार, ओके।
जितेंद्र ठाकुर, ओके भैया क्लियर है, ओके ओके जितेंद्र, ओके ओके आकाश को क्लियर हो गया, अमरेश को क्लियर हो गया, रोहित वर्मा को क्लियर हो गया, यस सर क्लियर है, बस थोड़ा इसमें नोट करा दो डेफिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल शुभम, विनय कुमार ओके, विनय कुमार ओके, श्रेया सोलंकी यस सर क्लियर है, श्रेया सोलंकी यस सर क्लियर है, प्रशांत पचौरी क्रिस्टल क्लियर, वरुण सर मैं आ गया, मैं लेट हो गया था, ओके वरुण आप लेट हो गए तो पीछे वीडियो को देख लेना समझ में आ जाएगा, ओके सर क्लियर है, शुभम आप सुने, शुभम बोल रहे थे आप नोट करा देना, सुने शुभम एक बेसिक क्लास है शुभम, मैं खुद में पक्ष में रहता हूँ नोट कराने के, इसके बाद शुभम मैं इसके बाद समझाने के बाद मैं नाउन एंड द नंबर कराऊंगा, आज नहीं तो कल कराऊंगा शुभम, उसमें 20 से 25 रूल कराऊंगा और सबको नोट कर करके कराऊंगा कि इस रूल को लिख लें, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर ऊपर रूल, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर जेंडर कराऊंगा उसके रूल, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर मैं आपको केस कराऊंगा रूल, यानी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच लास्ट प्री पोजिशन तक या इंटरजेक्शन तक जो भी मैं कराऊंगा ना वो मैं लिख लिख के कराऊंगा, वो लिख लिख के कराऊंगा जिससे आप फेयर बना सकें, जिससे आप जो बंदा 12th के बाद भी कहीं कंपटीशन की तैयारी करे तो वो बंदा इंग्लिश में फेल ना हो, ये मेरी गारंटी है, ये एचएस सर की ही गारंटी है, ठीक है। लेकिन सुबह मैं कहना चाह रहा हूं लाला, यहां से सिर्फ आप याद ना करके सिर्फ लाला इसको आप समझ लें, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, आपको इंग्लिश में कभी नहीं पूछेगा कि प्रॉपर नाउन की परिभाषा बताएं या कॉमन नाउन की बताएं या कलेक्टिव नाउन की बताएं या मैटर नाउन की बताएं, ये परिभाषा आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, पर लाला ये पूछ लेता है कौन सा प्रॉपर होता है कौन सा कॉमन होता है, पर इसको सोम लाला प्लीज आज आप लोग क्या करें कैसे भी एडजस्ट कर लें, सिर्फ आज समझाने समझने वाली क्लास है, आप चाहें तो लास्ट में वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसके बाद जो क्लासेस आएंगी ना वो सभी लिख लिख के कराऊंगा मैं, सबको लिख लिख के, क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा नहीं लग रहा है कि इसमें कराया जाए कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं इस तरीके से, है ना, तो आप सिर्फ समझ लें और पॉज कर करके आप लोग को लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी समझ से लिखाने वाली क्लास नहीं है, इसके बाद जितनी भी क्लास आएंगी प्रीपोजिशन मैं सब तक लिख के कराऊंगा, ओके शुभम कमेंट करें समझ में आ गया हो तो, शुभम कमेंट करें शुभम, ओके शुभम वेरी गुड, ओके शुभम वेरी गुड, और आप तो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, डोंट वरी डोंट फियर, एच एस सर इज हियर, हर तरीके से आप लोगों की आपकी शुभम बुक की जाएगी हेल्प, ऑफलाइन है ऑनलाइन में, जैसा आपको ऑनलाइन समझ में आता है ऑनलाइन बता दिया जाएगा आपको, डोंट वरी आप घबरा घबराए नहीं आप, ठीक है, तो प्रॉपर समझ के आप समझें कॉमन नाउन, पहले मेरी भाषा में समझना, मेरी भाषा में मैंने बोला था कि जिसका नाम है प्रॉपर नाउन, और मेरी भाषा में जिसका नाम है प्रॉपर नाउन और जो बदनाम है वो कॉमन नाउन, आप बोलोगे सर ये बात क्या कर दी आपने, अरे यही तो बात है, यही तो बात है, जिसका नाम है वो प्रॉपर नाउन, जिसका नाम है वो प्रॉपर नाउन और जो बदनाम है वो कॉमन नाउन, आप बोलोगे सर ये बात क्या कर रहे हैं आप, तो सर ये बात सही नहीं कर रहे हैं, अरे सही कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ, ऑल इज फेयर, ऑल इज फेयर डॉट डॉट डॉट, बाकी का आप लोग जानते हैं, यानी जिसका नाम होता है प्रॉपर नाउन और जो बदनाम होता है वो कॉमन नाउन, बदनाम की बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बदनाम की बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसकी रेस्पेक्ट खराब हो या उसकी कुछ भी खराब हो, कहने का सेंस है मेरा, कहने का सेंस क्या है, मैं जिसका नाम रख दिया वो प्रॉपर, और जिसका मैं नाम नहीं रखूंगा, जिसका मैं नाम नहीं रखूंगा अर्थात जिसको हम किसी नाम से कॉल नहीं करेंगे, किसी नाम से जिसको नहीं पुकारेंगे वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कॉमन नाउन होता है, इन पूरी अंग्रेजी की उत्पत्ति में एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कभी नहीं बताएगा, पूरी अंग्रेजी बनी थी ना, पूरी इंग्लिश बनी थी तो सबसे पहले कॉमन नाउन ही बना था, पूरी जो इंग्लिश बनी थी वो सबसे पहले कॉमन नाउन ही बना था, पढ़दा ठीक है, जो इंग्लिश बनी थी वो सबसे पहले कॉमन नाउन ही बना था, यानी सिर्फ कॉमन नाउन की इंग्लिश के अंदर उत्पत्ति हुई थी, फिर कॉमन नाउन से ही प्रॉपर बना, फिर कलेक्टिव बना, फिर मैटरियल बना, फिर एवस्टक बना, एक तरह का सबसे पहले इंग्लिश के अंदर कॉमन नाउन ही था, सबसे पहले इंग्लिश के अंदर क्या था कि कॉमन नाम ही मतलब कॉमन नाउन ही था,
अब देखें कॉमन नाउन, कॉमन नाउन तीन तरीके से बताऊंगा मैं आप लोगों को। कॉमन नाउन तीन तरीके से मैं कैसे बताऊंगा, देखो मैं आपने हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत बॉयज देखे होंगे, बहुत आपने गर्ल्स देखी होंगी, बहुत आपने मैन देखे होंगे, बहुत आपने वुमेन्स देखे होंगे, बहुत आपने बुक्स देखी होंगी, बहुत आपने फोन्स देखे होंगे, बहुत आपने साइकिल्स देखी होंगी, बहुत आपने बाइसाइकिल्स देखी होंगी। यानी यानी जिसका नाम नहीं होता है और जो चीज़ें अपने आप में एक से अधिक होती हैं, ऐसी चीज़ें जिनका कोई नाम नहीं होता है और अपने आप में एक से अधिक होती हैं, उनको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला बॉय, अरे बॉय तो अपने आप में एक से अधिक होता है, क्या पूरे हिंदुस्तान में एक ही बॉय है क्या? नहीं है ना, एक से अधिक बॉय है ना। तो एक से अधिक जो चीज़ें जिसका, लेकिन बॉय किसी का नाम होता है क्या, क्या बॉय इधर आना, या गर्ल्स किसी का नाम होता है कि गर्ल्स इधर आना, या साइकिल किसी का नाम होता है क्या साइकिल तुम वही हो साइकिल होता है क्या, क्या फोन किसी का नाम होता है क्या फोन इधर आना, नहीं होता ना। क्या जिसका नाम नहीं होगा और जो चीज अपने आप में एक से अधिक होगी, जो चीज अपने आप में एक से अधिक होगी वो आपका कॉमन नाउन होगा, वो आपका कॉमन नाउन होगा। दूसरी चीज, ऐसा नाउन जो जाति को रिप्रेजेंट करे, जाति बोले तो मैं किसी कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जाति बोले तो उस जैसे कि साइकिलों की जाति, यानी मतलब साइकिलों की जाति, या फिर बॉयज की जाति, बॉयज के भाई ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ये साइकिल्स हैं, ये फोन्स हैं। जाति इन सेंस वही एक तरह का क्या, जाति इन सेंस वही एक तरह का उस जैसी चीजें कई ज्यादा, यानी उस जैसी चीजें, जैसे कि क्या है ये, क्या है जैसे कि ए मार्कर, फिर मैंने बोला ए मार्कर, फिर ए बी मार्कर, यानी कि तीनों अपने आप में क्या है मार्कर है ना, तीनों अपने आप में मार्कर है, तीनों कॉमन नाउन है, तीनों क्या है कॉमन नाउन है। इसका मैं नाम पढ़ लेता हूं, ये लिख रहा है आपका क्या लिख रहा है, लॉन्गर, लॉन्गर मार्कर, इसका नाम क्या लॉन्गर, तो लॉन्गर मार्कर क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कहने का सेंस है कि भाई मार्कर अपने आप में तो हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में मार्कर बहुत हैं, लेकिन मार्कर किसी का नाम है क्या, नहीं है, एक एक जैसे मार्कर कई ज्यादा हैं, किसी का मार्कर नाम होता है नहीं होता है ना। तो जो चीजें अपने आप में एक से अधिक होती हैं लेकिन जिनका नाम नहीं होता है वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन जिसका, लेकिन जिस कॉमन नाउन का मैं नाम रख दूं वही प्रॉपर नाउन बन जाता है। आपने साइकिल देखा होगा, साइकिल एक से अधिक होती है तो कॉमन नाउन, लेकिन आप देखा हो एटलस की साइकिल तो प्रॉपर नाउन। आपने कई फोन देखे होंगे, कई फोन देखे होंगे, फोन किसी का नाम नहीं होता, एक से अधिक होते तो कॉमन नाउन। लेकिन रुको अपना फोन देखता हूँ, ओप्पो, मेरा किसका फोन है, ओप्पो का फोन है, तो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। हमारे साथ में जो भाई साहब बैठे हुए हैं, हमारे टेक्निकल स्टाफ, हमारे मुकेश बैठे हुए हैं, उनके पास भी फोन है तो कॉमन नाउन, उसका फोन उनके बगैर, उनके पास सैमसंग का फोन है तो भी वो भी प्रॉपर नाउन। कहने का सेंस है मेरा कि जो चीज अपने आप में एक से अधिक होगी कॉमन नाउन, लेकिन उनका नाम रख देंगे तो वही कॉमन नाउन, वही प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कई लड़के होते हैं यहाँ पे, मेरे को लड़के भी देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही हैं, लड़कों में से मैंने एक लड़के का नाम बोल दिया अमरेश, प्रॉपर नाउन। सारे लड़के तो कॉमन नाउन है जितने देख रहे हैं, ऐसा ही लड़कियां मेरे को देख रही हैं, वो सभी क्या है हमारा कॉमन नाउन है, पर मैंने एक लड़के का नाम बोल दिया क्या अमरीश या तरुण, एक लड़की का नाम बोल दिया मैंने सोना, लड़कियों में से सोना तो प्रॉपर नाउन, लेकिन सभी लड़कियां कॉमन नाउन, लेकिन सोना प्रॉपर नाउन। मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया सभी लड़कियों में से, सभी लड़कियां कॉमन कॉमन नाउन, लेकिन सभी लड़कियों में बोल दिया मैं शैलजा, तो शैलजा क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया तो कमेंट करें, समझ में आएगा तो कमेंट करें, हाँ सर प्रॉपर नाउन हमारे, हमारा कॉमन नाउन समझ में आ गया, कमेंट करें कि सर हाँ कॉमन नाउन समझ में आ गया। सुभद्रा, सुभद्रा समझ में आ गया सर, ओके। मोहित चाहर, यस सर आ गया, ओके। जितेंद्र, ओके क्लियर है। शैलजा सोलंकी, हाँ सर आ गया, ओके ओके जी सर आ गया समझ में, ओके देव, ओके रविंद्र सिंह, ओके सर, ओके भाई साहब, ओके कृष्णा आ गया सर, ओके।
आकाश को समझ में आ गया। ठीक, आदित्य को हमारे को आ गया। ओके आदित्य, ओके आंसर समझ में आ गया। ओके रोहित वर्मा को समझ में आ गया, रोहित वर्मा को समझ में आ गया। अमरेश को समझ में आया, राहुल पचौरी को समझ में आ गया। एक चीज पूछ रहा हूँ, कमेंट करें आप, एक चीज कमेंट करें, मैं आपसे से पूछ रहा हूँ, कमेंट करें कि बाइक कौन सा नाउन है, बाइक कौन सा नाउन है, ये कमेंट करें, फिर लिखें, फिर लिखें स्प्लेंडर की बाइक कौन सा नाउन है, कमेंट करें बाइक कौन सा नाउन है, कमेंट करें, फिर लिखें स्प्लेंडर की बाइक या स्प्लेंडर कौन सा नाउन है, कमेंट करें आप लोग बाइक कौन सा नाउन है, फिर लिखें स्प्लेंडर की बाइक या हीरो की बाइक कौन सा नाउन है, कमेंट करें। राहुल सिकवर बाइक कॉमन नाउन है, सुभद्रा बाइक कॉमन है, बिल्कुल अभी तो आंसर सही आ रहे हैं। उपेंद्र सिंह हेलो सर, हेलो उपेंद्र। राहुल सिकरवार स्प्लेंडर प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल राहुल, बिल्कुल राहुल। उपेंद्र सिंह हेलो सर, हेलो उपेंद्र। मोहित चहार बाइक, बाइक कॉमन नाउन, ओके आदित्य, ओके सर। प्राची शर्मा हाँ भैया समझ गए, ओके। उपेंद्र सिंह सिकरवार हेलो। राहुल पचौरी बाइक कॉमन नाउन है, बिल्कुल। जितेंद्र ठाकुर बाइक कॉमन स्प्लेंडर प्रॉपर नाउन, बिल्कुल ठाकुर साहब, बिल्कुल। सुभद्रा का हीरो की बाइक प्रॉपर है, बिल्कुल। शैलजा सोलंकी बाइक कॉमन नाउन है, हीरो की बाइक प्रॉपर नाउन, वेरी गुड, होशियार हो गए बंदे, वेरी गुड। रोहित वर्मा कॉमन नाउन, बरसात कर दी आपने कमेंट की, बरसात कर दी आप लोगों ने, कहीं भीग ना जाऊं मैं। अमरीश बघेल बाइक तो सर कॉमन नाउन है बट हीरो स्प्लेंडर प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल अमरीश, बिल्कुल। जितने आंसर आ रहे हैं सभी के आंसर सही आ रहे हैं। विनय कुमार बाइक कॉमन नाउन है, बिल्कुल। शुभम बाइक कॉमन नाउन है, स्प्लेंडर की बाइक प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल। मोहित रोहित, मोहित रोहित, आकाश, विनय, राहुल, राहुल, बिल्कुल सभी बंदों को, सभी बंदों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। हमारे भाई साहब भी बोल रहे हैं, हमारे जो बिग ब्रदर है वही बोल रहे हैं कि बाइक कॉमन नाउन है। हमारे मैनेजर सर हैं जो, वो भी हमारी लाइव क्लास में पढ़ के इंग्लिश सीख गए हैं, वेरी गुड। हालांकि वो हमारे से ज़्यादा उनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, हमारी सिर्फ ग्रामर स्ट्रांग है, उनकी तो स्पीकिंग बहुत स्ट्रांग है क्योंकि होटलर बंदे हैं वो। ठीक है, ठीक है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। ओके कलेक्टिव नाउन समझे, कलेक्टिव नाउन समझे, ठीक है आप समझ गए। कॉमन, कॉमन आप समझ गए। कॉमन क्या होता है, जो अपने आप में एक से अधिक होता है और जिसका कोई नाम नहीं होता है वो कॉमन होता है, पर उसी कॉमन में से मैं किसी का नाम रख दूं तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर। वो क्या होता है, प्रॉपर। जैसे कि चेयर, जैसे कि चेयर, चेयर क्या है आपका, चेयर क्या है आपका कॉमन नाउन है, लेकिन चेयर का कोई नाम हो जाएगा तो प्रॉपर। जैसे कि लैपटॉप, लैपटॉप अपने आप में एक से अधिक होते हैं, लैपटॉप किसी का नाम नहीं होता है, पर लैपटॉप हमारा क्या है, कॉमन। पर आपका बोल दिया जाए सैमसंग का लैपटॉप या किसी का भी लैपटॉप हो जाएगा तो प्रॉपर नाउन। कंपनी का नाम जुड़ जाए या किसी व्यक्ति वस्तु का नाम जुड़ जाएगा तो प्रॉपर नाउन। समझे, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन ढंग से समझे, कलेक्टिव नाउन ढंग से समझे। कलेक्टिव की हिंदी होती है समूह, कलेक्टिव बोले तो समूह, समूह बोले तो जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान, वैसे स्थान का कम समूह होता है लेकिन व्यक्ति और वस्तु का समूह ज्यादा होता है। समूह बोले तो ग्रुप, ग्रुप बोले तो कलेक्ट, कलेक्ट ग्रुप बोले तो टीम, टीम बोले तो एक तरह का समूह। जो चीज समूह में आपको दिखाई देंगी ना, समूह में जो दिखाई देंगी, एज ए होल दिखाई देंगी, एज ए ग्रुप में दिखाई देंगी, वो सभी हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। जो चीजें समूह में दिखाई देती हैं वो एक समूह के रूप से जानी जाती हैं, ना तो एक ना इंडिविजुअल नाउन से नहीं जानी जाएंगी कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, मतलब प्रॉपर नाउन से नहीं जानी जाएंगी। ना वो चीज अपने यहां में क्या होंगी, ना वो चीज उनकी कोई जाति वगैरह होगी, कुल मिला के कहने समूह, वो एक ऐसी वस्तु होगी जो समूह के नाम से जानी जाएगी। उसमें कई बंदे होंगे पर एक चीज
डिनोट करेगा वो, अर्थात एक चीज के नाम से जाना जाएगा। अर्थात पहले बता दूं, समूह बनाने के लिए, समूह बनाने के लिए क्या होता है, समूह बनाने के लिए मैक्सिमम दो से अधिक लोग होने चाहिए, समूह बनाने के लिए मैक्सिमम दो से अधिक लोग होने चाहिए, कम से कम समूह के लिए दो लोगों की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन दो से अधिक क्या ही समूह बनता है। गांव में बैठ के जब हम कार्ड्स खेलते हैं, कार्ड्स तो बोले तो हम पत्ते खेलते हैं ना, तो चार बंदे बैठ के खेलते हैं तो समूह में खेलते हैं ना, समूह में खेलते हैं ना, खेलते हैं ना, खेलते हैं, तो आप लोगों का वो क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्टर नाउन। जैसे कि टीम, टीम जैसे मैं बोल दूंगा टीम बोल दिया मैंने टीम, तो टीम में तो यार एक व्यक्ति तो टीम नहीं बोलेंगे, कोई क्रिकेट की टीम होती है, कोई टेनिस की टीम होती है, कबड्डी की टीम होती है, मतलब जो बंदे समूह में बात की जाएगी एक तरह के समूह में, वो हमारा कलेक्टर नाउन होता है। जैसे कि बोल रहे हो एयरफोर्स, एयरफोर्स क्या है, समूह में राजस्थान का भी बंदा है उसमें एयरफोर्स में, यूपी का भी है, गुजरात का भी है, मतलब डिफरेंट पंजाब का भी, हरियाणा का भी, लेकिन किसमें, एयरफोर्स में एक समूह है पूरा। क्या है समूह, यानी गुजरात का भी है, गुजरात का भी है, और आपका क्या राजस्थान का भी है, और आपका यूपी का। कोई बोलते हैं कि मैं गुजरात की आर्मी हूँ, कोई बोलता है क्या, या गुजरात के एयरफोर्स में हूँ, कोई बोलता है क्या, नहीं बोलता ना। कोई बोलता है कि मैं उत्तर प्रदेश की आर्मी हूँ, नहीं बोलता ना, सिर्फ बोलता है कि मैं आर्मी हूँ या एयरफोर्स हूँ या नेवी हूँ। तो ये सब एक तरह ग्रुप बना दिए, ये क्या है, एक समूह है। आर्मी क्या है, समूह है, क्योंकि सब लोगों का समूह रहता है इसमें। यूपी के बंदा भी आर्मी में, राजस्थान का बंदा भी आर्मी में, एमपी का बंदा भी आर्मी में, तो एज ए होल तीनों को मिला के क्या बोल दिया, आर्मी। क्या बोल दी, आर्मी। ऐसे क्लास, अरे आप ज्यादा दूर कहाँ जा रहे हैं, ज्यादा दूर मन जाओ आप लोग, क्लास को ही देख लो। क्लास के अंदर, क्लास के अंदर लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, टीचर्स भी होते हैं और मैम भी होते हैं। तो एज ए जब क्लास में लड़का लड़की और टीचर्स होते हैं तो कहाँ रहते, क्या बोलते हैं, कहाँ पर है, क्लास में। तो समूह है ना, अर्थात क्लास में कौन रह रहा है, लड़का लड़की और टीचर्स, लेकिन तीनों के तीनों के तीनों को एक साथ क्या जाना जा रहा है, क्लास के नाम से, तीनों को क्लास के नाम से अलग अलग जाने कि ये मैम है, ए स्टूडेंट, ए क्या है, ए स्टूडेंट है, या फिर ये गर्ल्स हैं या बॉयस हैं, तो कॉमन, स्टूडेंट हैं तो कॉमन, स्टूडेंट में सब आ गए, लेकिन ये गर्ल्स हैं तो कॉमन, बॉयस हैं तो कॉमन, मैम हैं तो कॉमन। सुना, मैं इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, समूह में बताऊंगा, लेकिन मैम का नाम बोल दिया है कि मैम कौन सी है, ये मैम का नाम कौन सा है, कि मैम का नाम है, कोई भी मैम का नाम ले लो, आपकी कोई फेवरेट मैम हो उसका नाम ले लो। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया, जैसे कि सीमा मैम, तो प्रॉपर, लेकिन मैम कॉमन, लेकिन मैम क्लास में, तो क्लास क्या हो गया आपका, तो क्लास क्या हो गया आपका, कलेक्टिव। टीम होती है, टीम में क्या 11 खिलाड़ी होते हैं, चार भी होते हैं, सात भी होते हैं, तो जिसमें वो है, तो एक तरह का टीम समूह है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन। स्टार्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार, तारों का समूह, तारों का गुच्छा बोलते हैं आप लोग, तारों का समूह बोलते हैं, या बंच, या फिर आप बोल सकते हैं बंच ऑफ कीज, ताली, मतलब जो कीज होती हैं, चाबियों का गुच्छा, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह, तो सभी अपने आप में कलेक्ट होते हैं, सभी क्या होते हैं, अपने आप में कलेक्ट होते हैं। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल समझाऊं, जैसे कि मान लो एक क्लास है, क्लास के अंदर स्कूल लोग क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, क्या होंगे, स्टूडेंट्स, और उन स्टूडेंट्स के बीच में बॉयज भी होंगे, क्या होंगे, बॉयज, और क्या होंगे इस क्लास में, ठीक है, और क्लास के अंदर कोई टीचर्स भी होगा, क्लास के अंदर कौन होगा, कोई टीचर्स भी होगा। सुनना आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज सुनना, आज यहाँ से कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले बात, सबसे बड़ी चीज क्या है, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ही होंगे क्लास के अंदर, और टीचर्स भी होंगे, पहले बड़ी से छोटे, यानी आप कहाँ चलें, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलें। पहले हमने क्लास की बात की, तो क्लास में कोई अपने आप में एक बंदा तो नहीं होगा, समूह होगा, यानी स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स के बीच में भी लड़का और लड़कियां होंगी, और टीचर्स में से कह रहे हैं ना, बंद हो गया, बोलो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स कहां होंगे, क्लास में, समूह बना दिया, क्या है भाई, क्लास,
इन सभी को, जहाँ टीचर्स रह रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट्स रह रहे हैं, जहाँ पे मैम, यहाँ पे लड़का लड़की, कहाँ मतलब जहाँ पढ़ते हो, क्या है क्लास, तो क्लास हमारा कलेक्टिव एक समूह के रूप में जानी जा रही है। लेकिन स्टूडेंट्स बात की जाए तो स्टूडेंट्स किसी का नाम होता है क्या? नहीं होता ना, कि स्टूडेंट किसी का नाम तो कॉमन हो गया। और स्टूडेंट को भी काट दिया जाए तो स्टूडेंट्स में कौन होंगे, बॉयज होंगी या गर्ल्स होंगी? बॉयज किसका नाम होता है तो कॉमन, गर्ल्स किसका नाम होता है तो कॉमन। एक लड़कियों में किसी का नाम ले दूं तो प्रॉपर। ऐसे यहाँ टीचर्स होंगे क्लास के अंदर, टीचर्स का मैं किसी का नाम ले दिया जाए कि फलाने टीचर है तो प्रॉपर। जैसे आपके क्लास में एचएस सर है, एचएस सर है तो क्या हो गया आपका, प्रॉपर। लेकिन मैं टीचर हूं तो टीचर क्या हो गया, कॉमन। लेकिन मैं क्लास में हूं तो क्लास क्या हो गई, कलेक्टिव। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और सुने, एक और आप इंपॉर्टेंट चीज सुने, मैं क्या कह रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट चीज सुने। जैसे कि मैंने यहां बोला, मैंने क्या बोला यहां पे बोला कि यहां पे हमारी बुक्स पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है, बुक्स पड़ी हुई हैं। और बुक हमारी मान लो 50 बुक है, कितनी बुक है हमारी, 50 बुक्स हैं। और 50 बुक्स हमें गट्टर में रख दिए, इस तरीके से हम लोगों ने पैसे बुक के समूह को पाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइल ऑफ बुक्स। बुक का जो समूह होता है वो क्या होता है हमारा, पाइल ऑफ बुक्स होता है, पाइल ऑफ बुक्स। तो ऐसे 50 बुक रखी हुई है, तो ऐसे रखी होंगी ना 50 बुक, तो समूह में तो रखी हुई है ना, एक तरह की क्या है, समूह में रखी हुई है ना। तो 50 बुक को एक साथ बोलेंगे ना तो कलेक्टिव नाउन हो गई, 50 बुक अपने आप में कलेक्टिव नाउन हो गई, क्योंकि समूह बना रही है। और समूह बनाने के लिए 2 से अधिक होने चाहिए, अरे 2 से अधिक जितनी भी चीज होती है वो समूह में आ जाती है, कलेक्टिव में आ जाती है। तो एक तरह की 50 जो बुक होंगी वो सभी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन 50 बुक में से बोल दिया जाए, ऐसे 50 बुक में से एक बुक निकाली जाए लो बुक, तो बुक कॉमन नाउन है। अरे 50 बुक, 50 बुक एक साथ तो क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन। पर एक बोले सिर्फ निकाल दी कि भाई एक बुक निकाली हो रही, तो एक बुक निकाल दी और एक बुक इसे दे दी, तो 50 में से 1 बुक इसे दे दी, तो बुक फिर वो कॉमन है, सिर्फ एक ही बुक है ना। मैं बताया था समूह के लिए 2, तो एक बुक का तो समूह बनेगा नहीं, एक बुक दे दी तो वो कॉमन। अभी 50 में से 50 बुक क्या है, अपने आप में कलेक्टिव में समूह में रखी हुई है, और एक बुक निकाल के दे दी तो वो ये हो गया आपका कॉमन। ले भैया एक बुक ले, वो है आपका कॉमन। मैं बोल दूं कि भैया एक बुक दे दियो, वह बुक का नाम क्या है, रामायण। तो मैं चल रही है ले बुक, और जी का है रामायण, वही बुक क्या हो गया, वही बुक प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब कलेक्टिव नाउन कॉमन हो सकता है और कॉमन प्रॉपर हो सकता है, कोई चीज समूह में है तो कलेक्टिव। एक ही करके बात की जाए कि भाई जब 50 मार्कर है तो कलेक्टिव, एक मार्कर है तो सिर्फ कॉमन, लेकिन मार्कर बोल दूंगा फलानी कंपनी का मार्कर है तो वो प्रॉपर। बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया? कमेंट करें आपको समझ में आया नहीं आया। देव कह रहे हैं सर गांव की लैंग्वेज में ही बोलिए। जितेंद्र ठाकुर, ओके भैया क्लियर है, ओके जितेंद्र। सुभद्रा बोल रहे हैं सर क्लास कितनी देर और चलेगी, 10 मिनट चलेगी सुभद्रा, ओनली 10 से 12 मिनट चलेगी सुभद्रा क्लास। देव आ गया सर, ओके देव, ओके सलजा सोलंकी जी सर बिल्कुल आ गया, ओके शिवद्रा सर आ गया समझ में, ओके मोहित चार, यस सर, ओके ओके कमेंट करें, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। रविंदर सिंह, हमारे जो भाई साहब जुड़े हुए हैं हमसे, भाई साहब के 3 नाउन समझ में आ गए हमारे जो एल्डर ब्रदर है, बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। आपको क्लास में देखते हो बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने छोटे भाई का मोटिवेट कर रहे हो। राहुल शुक्रवार, ओके अमरेश वकील, ओके सर अपने चार, वेरी नाइस, ओके रोहित वर्मा, यस सर रोहित वर्मा, मामा जी के लड़का भी जुड़े हुए हैं हमारे, रोहित वर्मा, ओके रोहित, विनय कुमार, ओके सर, ओके ओके ठीक। 2 नाउन हो गए, उसको और देख लो, 2 नाउन रह गए उसको और देख लो। हाँ ठीक है, एक और देखें आप लोग, नमस्ते, एक और देखें, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जल्दी फेस करते हैं, मैटेरियल नाउन क्या होता है, मैटेरियल बोले तो पदार्थ,
इसका एक ब्रह्मास्त्र समझ लें। बहुत से लोग बताते हैं कि जो पदार्थ होते हैं ना, कि पदार्थ होते हैं वो हमारे किस में आएंगे, मेटेरियल में। शुद्ध भाषा में आज मैं बता दूं कि मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मेटेरियल नाउन उसे बोलते हैं जो चीज तौल के और माप के आती है, जो चीज तौल के आए और माप के आए, गिन के नहीं आए, जो चीज तौल के आए और माप के आए वो सभी मेटेरियल नाउन हो गई, बस खत्म मेटेरियल नाउन। क्या चीनी कैसे आती है, तौल कर, दूध कैसे आता है, माप कर, ठीक है, कैसे आता है, माप कर, ठीक है, बेसन कैसे आता है, तौल कर, कैसे आता है, तौल कर, दूध कैसे आता है, माप कर, सोना कैसे आता है, तौल कर, वहां पे भी ऐसे 24 कैरेट का होता है, वो उनको भी तौल, जो चीज तौल के और माप के आएंगे और जिनको गिन ना सके, क्या चीनी को गिन लोगे, क्या चीनी नहीं गिन पाएगी ना, जो तौल के और माप के आएगी वो अपने आप में मेटेरियल नाउन होगा, जो चीज तौल के या माप के आएगी वो अपने आप में मेटल नाउन होगा, शुद्ध भाषा में चीजों को खत्म कर दो बस, पानी तौल कर, ठीक है, एक तरह का पानी तो तौल के ही आता है, मतलब तौल के, आप बोले तौल के तो नहीं आता यार, बोलते ना पानी तौल भी तो सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, क्या पानी गिन के आता है, क्या गिन के अगर 2 पानी दे दिए, अरे ऐसा होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता ना, तो जी तौल के और माप के आएंगे, जो चीज तौल के और माप के शुद्ध भाषा में, गिन के नहीं आए, तौल के और माप के आए, अर्थात ठोस द्रव गैस, ऐसे ठोस द्रव गैस जो तौल के और माप के आते हैं वो सभी हमारे मेटेरियल नाउन होते हैं, वो सभी हमारे मेटेरियल नाउन होते हैं। रसगुल्ले कुछ नहीं, बस अभिनव चार यानी सोना वैसे बोलता हूँ रसगुल्ले, ठीक है, मेरी आदत है, ये समझ गए आप लोग मेटेरियल नाउन, समझ गए होंगे। इस पे आ जाए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेरी भाषा में ऐसी चीजें जिनको हम ना तो छू सके ना ही देख, हो गया सही करें उसको, सही करें, देव कह रहे हैं हम लोगों को ज्यादा मत मीठा बुला करो, नहीं हम लोग मतलब रसगुल्ले मत बुला करो, हम लोग ज्यादा मीठे हो जाएंगे, ओके, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा हमारा, अब अभी वीडियो रुक गई थी लेकिन आप लोग डटे रहे, वेरी गुड, जिस जो नाउन जिसको ना देख सके, ना देख सके, ना छू सके, केवल महसूस कर सके, केवल महसूस कर सके, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मेटेरियल नाउन क्या था, जो तौल के और माप के आए, गिन के नहीं आए, तौल के और माप के आए वो मेटेरियल नाउन, जैसे कि सोना चांदी, ठीक है, दूध पानी जो कुछ है वो मेटेरियल में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है जो चीज ना तो गिन सके ना ही, मतलब जिसको ना तो हम देख सके ना ही छू सके, केवल महसूस कर सके, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि दर्द, जैसे कि गुस्सा, दर्द बोले तो पेन, गुस्सा बोले तो एंगर, पेन माने दर्द होता है, बताइए तो दर्द कहाँ है, दिखाइए मुझे, ऐसा होता है डॉक्टर बोलता है बताइए तो दर्द कहाँ है, दिखाइए मतलब वो हाथ में लेना हुआ है, ऐसा नहीं होता है, बस फील किया जाता है कि सिर में दर्द हो रहा है तो महसूस कर रहा है, पेट में दर्द होता है महसूस कर रहा है, कोई बोलेगा दिखाना पेट दर्द निकालना अपने को, थोड़ा देखना है, या कोई बंदा गुस्सा हो रहा है तो गुस्सा आ गए लाइयो, केवल फील ही तो कर रहा है, महसूस कर रहा है ना, जो चीज़ महसूस की जाती है, जो चीज़ महसूस की जाएंगी सिर्फ, उनको ना तो देख सकते ना ही छू सकते, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। तो मैंने सारे नाउन आप लोगों को बता दिए, इसमें एक अपवाद था कि जितने भी सब्जेक्ट होती हैं वो अपवाद है, वो सभी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी, बुक को जैसे कि साइंस मैथ इंग्लिश सभी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, एक हमारा है, अपवाद है। बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, पाँचों नाउन आपको समझ में आए या नहीं आए, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और कल की क्लास नाउन एंड द नंबर की क्लास होगी, कल की क्लास नाउन एंड द नंबर की क्लास होगी, और कल लिखित में क्लास होगी, कल हम लिख लिख के बताएंगे नाउन एंड द नंबर को। शैलजा सोलंकी डिटरमाइनेशन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शैलजा बिल्कुल, डिटरमाइनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बिल्कुल। अभिनव चार वर्ल्ड कॉमन है ना सर, नहीं वर्ल्ड देखो मान सकते हैं लेकिन वर्ल्ड प्रॉपर नाउन है, आप बोलो वर्ल्ड प्रॉपर नाउन कैसा है, कि वर्ल्ड तो एक ही है ना, जो चीज अपने आप में एक होती है वो प्रॉपर में आता है, ऐसे भी हम प्रॉपर भी रख सकते हैं सोना, ठीक है, कि वर्ल्ड जो ताजमहल, ताजमहल एक है तो प्रॉपर, जो चीज एक होता है वो प्रॉपर में आता है, तो वर्ल्ड या है तो एक ही। सुभद्रा मस्त लगी, रोहित वर्मा सर हवा, रविंद्र सिंह यस सर आ गया, आ गया सर बिल्कुल सर,
अभिनव चार बी लाइक योर लैंग्वेज सर, ओके अभिनव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। गुड भी लिखने की जरूरत नहीं है, नाउन की क्या हो रहा है पता नहीं है सर, गुड ये लिखने की जरूरत ही नहीं है नाउन की। ओके ओके लिखने की जरूरत नहीं था, वेरी गुड, ठीक है। ओके देव जितेंद्र ठाकुर, ओके भैया मजा आ गया। ओके मोहित चार सर, जो जिंजर है वो कौन सा नाउन है? जिंजर बोले तो अदरक, अदरक की बात कर रहे हैं ना आप लोग, अदरक आपका कॉमन भी हो सकता है आपका, और आपका कलेक्टिव भी हो सकता है, मेटेरियल भी हो सकता है, बहुत से नाउन कई नाउन भी हो जाते हैं। कृष्णा अनमोल है क्या? प्राची शर्मा अच्छी लगी। शुभम 5 नंबर पक्के कर लिए, ओके शुभम वेरी गुड। अभिनव चार हाँ। रविंदर सिंह ओके सर, होटल कौन सा नाउन है? होटल भाई साहब कॉमन नाउन है, भाई साहब होटल कॉमन नाउन है, लेकिन आपका जो मंदाकिनी होटल है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। होटल का होटल बहुत ज्यादा होटल होते हैं तो कॉमन, अपने होटल का नाम रख देंगे तो प्रॉपर। ठीक है, तो कल की क्लास नाउन एंड द नंबर क्लास होगी, 8:45 पर जो क्लास चलेगी वो 8:45 पर नाउन नाउन एंड द नंबर की क्लास होगी, और लिखित में क्लास होगी, उसमें 20-25 रूल कराएंगे हम लोग, ठीक है, डीपली कंपटीशन लेवल तक के कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राहुल सरकार ओके, जितेंद्र ओके भैया गुड नाइट, ठीक है ठीक है, आज के लिए इतना ही। रविंद्र सिंह ओके सर, ठीक है, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, समाज को और देश को आप लोग आगे बढ़ाएं, ठीक है, बाकी का हम लोग कल मिलेंगे। राधे राधे।